भाई हमें कुछ नहीं हुआ, गाड़ी को ज्यादा लगी भी नहीं है, जो सामने से आ रहा था बंदा, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। अब पुलिस कंप्लेंट नहीं, अब तो जो जो चीजें होने वाली है ना वो तुम देखते रहना, अब आगे किसी ने जो किया है ना वो फिर छू भी ना पाएंगे भाई। नमस्कार दोस्तों, नोटी बाय चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों इल्विश यादव इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। तो दरअसल आए दिन इल्विश यादव की कारों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो दोस्तों रिसेंटली इल्विश यादव की फॉर्च्यूनर पर दो लोगों ने डंडे बरसाए, जिस वजह से इल्विश यादव उन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। कहते भाई अभी ना साइकिल पे या फिर मोटरसाइकिल ऐसा कुछ बोला मेरे याद नहीं, दो बंदे आए, उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी पे अटैक करा, लठवट मारे। और फॉर्च्यूनर तो फॉर्च्यूनर जो सीए साहब की हमारी ऑडी थी ना उस पे भी किया भाई, ऑडी पे भी फॉर्च्यूनर पे भी डंडे मारे उन्होंने बंदों ने। रात के बज रहे थे 12:41, करेक्ट 12:41 हो रहे थे। तो मैंने पूछा मैंने कि एक बार आपने चेक करा कि गाड़ी पे क्या क्या टूटा, कह रहे भाई रात हो गई अभी मैंने चेक नहीं करा। भाई सही में क्यों ही करते हो ऐसा नुकसान। वही दोस्तों रिसेंटली अंशु बिस्ट का एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें वह बाल बाल बचे। तो दोस्तों रिसेंटली अंशु बिस्ट ने एक स्टोरी अपलोड की है जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि अंशु बिस्ट की कार का एक्सीडेंट हुआ है, जिसका क्लेरिफिकेशन देते हुए उन्होंने यह स्टोरी अपलोड की है। भाई हमें कुछ नहीं हुआ, गाड़ी को ज्यादा लगी भी नहीं है, जो सामने से आ रहा था बंदा, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। जो गाड़ी लगी है ना वो कैसे लगी मैं तुम्हें समझाता हूँ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। मैं अपनी साइड सही चल रहा हूँ, 10 की स्पीड पे चले थे, आजकल बहुत ट्रैफिक होता है इधर पहाड़ों में, ठीक है। तो हम लोग आराम से चल रहे हैं, प्यार से चल रहे हैं। तभी क्या हुआ ना, एक बंदा रॉन्ग साइड आए जा रहा है 30 की स्पीड में आए जा रहा है। मैं हॉर्न बजाया जा रहा हूँ कि रोकेगा। मैंने रोक के थोड़ी साइड भी दबा दी थी गाड़ी, जितनी दब सकती थी गाड़ी, वो तब भी आगे पूरा ठोक गया था, टेढ़ी गाड़ी, समझ लो। उसकी गाड़ी को बहुत आया, हमारी गाड़ी को भी माइनर डैमेजेस आए, कल को जाके सही कराऊंगा। बट भाई वो बंदा सो गया था गाड़ी में, ये था मेन चीज, वो सो गया बंदा चलाते चलाते, वो बहुत दूर से आ रहा था तो बंदा सो गया गाड़ी में चलाते चलाते, तुम समझ रहे हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गई है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, चलता हूँ, धन्यवाद।